हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें देसी में सीखो चैनल को और दबाए इस बेल आइकन को ताकि वीडियो मिले सबसे पहले आपको। हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी में सीखो। दोस्तों फोटोशॉप के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी YouTube चैनल के लिए बैनर कैसे बना सकते हैं। बैनर्स के जो डिजाइन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे अभी आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी, देसी में सीखो लिखा हुआ है, तो इस टाइप के जो बैनर डिजाइन होते हैं वो कैसे बना सकते हैं। ये एक्चुअली मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि फोटोशॉप का सीरीज जब भी स्टार्ट करें तो ये सब चीज़ें आप मुझे सिखाते हुए चलिए, ताकि मेरे साथ भी जब जो चीज़ ज़रूरत पड़े मैं वो आसानी से क्रिएट कर पाऊँगा फोटोशॉप में। इसलिए मैं वो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बता रहा हूँ, जो कि एक नॉर्मल बंदे को जो स्टार्ट करता है चैनल वेबसाइट व्हाटएवर कुछ भी, तो उसे ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है, ये सब चीज़ें करना पड़ता है। इसलिए मैं ये सब सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि थंबनेल भी बताया, फेविकॉन आइकन भी बताया, अभी मैं बैनर बता रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी ऐसा बहुत कुछ बताने वाला हूँ जो कि आपका काम ही आएगा आपकी लाइफ में। जो और बता दूँ कि मैं इस टेम्पलेट का जो डेमो फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे डाउनलोड करके देन उस PSD फाइल में आप वर्क कर सकते हैं। इट मीन्स उसमें कुछ रूल्स दिए हुए होंगे, कुछ गाइडलाइंस दिए होंगे कि इतना अंदर आपको एरिया में काम करना है, इसमें टेक्स्ट लिखना है, आपको समझने में काफ़ी ईजी होगा। आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि ये बैनर स्टाइल का साइज़ क्या होता है, व्हाटएवर जो भी चीज़ है हर एक चीज़ मैं डिटेल में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को जरूर कंटिन्यू लास्ट तक का जरूर देखिएगा इस सब सारे प्रोसेस को सीखने के लिए। तो खैर चलते हैं, चलने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक आपने देसी में सीखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से सब्सक्राइब कर लिए, कुछ तरह के वीडियोज मैं अक्सर लाता रहता हूँ जो आपके इंटरेस्टिंग और यूजफुल होते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप देसी में सीखो चैनल पर नए हैं तो आप जाके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने फोटोशॉप के काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी है, इन सारे फोटोशॉप के वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फोटोशॉप को ओपन करें, आप जैसे कि मैंने ये फोटोशॉप ओपन किया हुआ है यहाँ पे, है ना। अब रही सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बैनर की साइज़ क्या होगी। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे ब्लॉग मिलेगा आपको, उस ब्लॉग में भी मैं सारा कुछ डिटेल्स में लिख दूंगा, तो उस पर क्लिक करते ही आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगी डाउनलोड करने के बाद। ये फोल्डर कुछ ये होंगे कि इसमें एक इमेज दिया होगा, एक PSD फाइल दिया होगा। इस PSD फाइल में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है, ठीक है। इसे ओपन कर ड्रैग करते हैं सब फोटोशॉप में, ऐसे देखते हैं कि इस पर क्या है। एक्चुअली इस पर एक्चुअली मैंने गाइडलाइंस दी हुई है कि कितना अंदर में कितना एरिया में आपको काम करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखने लगा होगा कि ये जो एरिया है ना, ये मोबाइल पे आपको अच्छे से व्यूज हो गए, ये जो एरिया है वो डेस्कटॉप पे अच्छे से व्यू होंगे, और ये जो फुल है ना, ये TV पे कभी आप ओपन करेंगे ना इसको, तो वो पूरा एरिया दिखेंगे आपको, जितना अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना पूरा एरिया दिखेगा। तो ये तीन व्यूज में दिखते हैं। आप कभी भी अगर YouTube में बैनर को अपलोड करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी तीनों व्यूज दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो कितने एरिया में क्या काम करना आपको बेहतर समझ लेना चाहिए। मेरा सजेशन है कि जितना मैं अभी काम किया हूँ ना, यहाँ ये रेक्टेंगल से लेकर के यहाँ तक इतना अंदर एरिया के अंदर काम करें आपको डेस्कटॉप में मोबाइल में काफ़ी बेहतर दिखेगा। अब रही बात डिज़ाइनिंग की, जैसे कि मैंने नॉर्मली यहाँ पे कुछ डिज़ाइन करके रखा हुआ, सिंपल सा डिज़ाइन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बट मैं आपको कुछ टिक्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा जिसे आप यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। जब भी आपके पास ये डाउनलोड कर चुके होंगे, आपके जब इसे ओपन करेंगे तो इसमें आप क्या चेंज कर सकते हैं वो मैं पहले बता दूँ, देन आप इसमें क्या ऐड कर सकते वो भी बता दूंगा। सबसे पहले देखिए, इसमें एक मैंने लेयर बनाया हुआ ग्रेडियंट का, जो कि लेयर एडजस्टमेंट लेयर है। इसका फायदा क्या है कि इसको डबल क्लिक करके हम कभी भी ग्रेडियंट का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल दिया हुआ, एंगल को हम कभी भी रोटेट कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको जैसा पसंद है वैसा कभी भी इस एंगल के साथ खेल सकते हैं। ऐसे रिवर कलर चेंज करेंगे तो सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको, देन ये बीच वाला कलर चेंज करते हैं क्योंकि दोनों साइड व्हाइट है और ग्रेडियंट काफ़ी मैंने जूम रखा हुआ है, बीच वाला को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कलर पर क्लिक किया देन यहाँ से इसे कर देते हैं पिंक। तो इस तरह से कलर के साथ कभी भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे जूम है तो इसे जूम को थोड़ा कम कर देते हैं, यहाँ पे स्केल दिया हुआ ना, स्केल को थोड़ा सा कम कर देते हैं, देखिए दोनों साइड ब्लू दिखने लगेंगे, है ना। ये बीच में ये कलर है, देन व्हाइट व्हाइट, देन ब्लू ब्लू, इसलिए मैंने इसे जूम करके रखा हुआ थोड़ा सा इस तरह दिखने के लिए। तो अब रही बात इसमें ग्रेडियंट के टू मच, आपको मैंने वीडियो अपलोड भी की है ग्रेडियंट को लेकर के, काफ़ी सारे ग्रेडियंट आपके साथ शेयर किए, 10,000 ग्रेडियंट। आप किसी को भी यूज़ करें ग्रेडियंट को और लुक देखें कि आपके पास जो बैनर का लुक है 100% बहुत ही डिफरेंट आएंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आएंगे, है ना। तो ये रही ग्रेडियंट की बात, मैं जब ओके कर दो तो ओके कर दो, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख सकते होंगे, है ना। इतने अंदर के साथ खेल सकते हैं। अब दूसरा है यहाँ पे बैकग्राउंड, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, बट इसी ये बैकग्राउंड के अंदर ही है, फोल्डर मैंने बना दिया ऑलरेडी। ये बात बटन की बात है, तो बटन को भी हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, देन ये अदर टेक्स्ट है। तो ये इसमें भी ज़्यादा कुछ ऐसा डिज़ाइन है नहीं, मेन मेरा मकसद है ये फाइल आपके साथ शेयर करने का, क्योंकि ये साजिश बताने के लिए, ये रूल्स बताने के लिए कि इतना अंदर में ये काम करना है। अब देखिए इसमें नया चीज़ हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं बैकग्राउंड के साथ, ठीक है।
फोल्डर पे आते हैं, हम लोग कुछ बैकग्राउंड ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड ले लिया, इसे फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं हम लोग। ये सारे फ्री फोटोज हैं मैंने मेरे पास है ये एक्चुअली। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। यह लिया है अपने फोल्डर में, ठीक है, ये फोल्डर पर आ गया। अब इसे क्या करते हैं, स्केल करके बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल टी कर ले यहाँ से, देन इसे बड़ा कर लेते हैं हम लोग, एंटर। बोलिए स्केल आने का क्या फ़ायदा, इसका फायदा यह है कि देखिए इसके साथ अब हम क्या करते हैं, जो फिल्टर पे जाते हैं, ब्लर करते हैं एंड गॉसनेस ब्लर कर देते हैं, ठीक है, इसे इमेज को थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं। क्वालिटी देखिए आप कैसा आप डिज़ाइन कर सकते हैं वो मेरा मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए आप, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब ये जो बैकग्राउंड है इसको छोड़ दीजिए, अब इसको भूल जाइए आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरा बैकग्राउंड पे काम करने लगा। अब इसे रख रहा हूँ तो इसे रख सकते हैं, इसे रख रहा हूँ तो इसे रख सकते हैं, ये बैकग्राउंड आ गया। अब बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग फिल्टर या लाइट बोल सकते हैं, इसके इस पर भी काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ जस्ट एडजस्टमेंट लेयर पर जाइए। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इस पर भी हम लोग यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं, डन। और मैं इसके यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ जस्ट ब्लैक जो कलर है ना, इसे यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा वाइटनेस टाइप का कलर, वाइट, ओके ओके। अब इसका एंगल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब काम करने का अपना अपना तरीका है, आपको भी हो सकता है मेरे से बेहतर पता होगा, बट मैं जो जानता हूँ वो आपको सिखा रहा हूँ। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। या ये वाइट है ना, इसे हम थोड़ा सा और डिफरेंट कलर कर देते हैं, थोड़ा सा ग्रीन टाइप का, तो क्योंकि जो सीन जो है ना वो मैचिंग टाइप का हो जाएगा, देख सकते होंगे, है ना, ओके देन ओके। अब क्या करते हैं, ये ओके ओके कर देते हैं, ये ग्रेडियंट इसमें अप्लाई हो गया। ग्रेडियंट अप्लाई होने के बाद इसका ऑपेसिटी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं आप, ऑपेसिटी में जाके थोड़ा सा धीमा कर दें आप, बस कलर करेक्शन के लिए। एक्चुअली ये मैं बता रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अब रही बात टेक्स्ट का, टेक्स्ट के यहाँ पे कभी भी चेंज कर सकते हैं आप, टेक्स्ट के साथ कभी भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर वाट एवर जो भी टेक्स्ट चाहे वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये नीचे में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे भी कभी भी एडिट कर सकते हैं आप। अब यहाँ कुछ मैं आपको लाइनिंग बना के दिखा रहा हूँ, जैसे कि मेरा चैनल पर गए होंगे तो आप देखे होंगे वहाँ पर कुछ लाइनिंग बने हुए हैं। वो कैसे बने हुए, देखिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ जस्ट सेलेक्शन टूल यूज़ कर रहा, ठीक है, जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करते हैं हम लोग, और यहाँ पे जस्ट सेलेक्शन टूल से लेकर के यहाँ पे नीचे एक लाइन बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, थोड़ा पतला सा, डन बन गया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस से फिल कर देते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस जब प्रेस करेंगे तो ये जो फोरग्राउंड का कलर होगा, सॉरी बैकग्राउंड का कलर, वो फिल हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी करके साथ डिसलेक्ट कर दिया, इसका मैंने लेयर अलग बना लिया, अब ध्यान दिए होंगे तो। कंट्रोल टी करके थोड़ा ज़्यादा मोटी लग रही मुझे, इसे थोड़ा सा पतली कर देते हैं लाइन को, ये देखिए थोड़ा सा पतला कर दिया, एंटर। अभी क्या करना, दोनों साथ शैडो स्टेप को रिमूव करना आपको। वो कैसे करेंगे, यहाँ से जस्ट इरेज टूल लेना आपको, यहाँ से इरेजर टूल लिया मैंने, इरेजर टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से ये ब्रश लेना है जो ब्लर टाइप का ब्रश हो, ये ब्रश को लेना है आपको, एंड देन यहाँ से जो ऑपेसिटी है थोड़ा सा कम कर देना है 70%, फ्लो भी कर देना है यहाँ से 70%, डन। ब्रश के साइज को हो जाए थोड़ा सा बड़ा कर ले आप, ठीक है। बड़ा करने के बाद दोनों साइड से थोड़ा सा आप ब्रश के साथ खेल सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए जस्ट क्लिक क्लिक क्लिक, एकदम धीमा सा रख करके मैं उसको जस्ट क्लिक 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 करना है आपको, ये देखिए क्लिक किया मैंने दो चार बार, देख सकते हो कि ये जो लाइनिंग की इफेक्ट है वो आप खुद ही डिसाइड करके मुझे बताएं कि कैसी है। इसे अल्ट दबा करके जस्ट कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर से लाइन लगा सकते हैं। अब बताएं कि मुझे क्या बुरा लग रहा है इसमें, कुछ काफ़ी अच्छी बैनर लग रही है, अगर इसे आप सेट करेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगी जब आप इसे अपना चैनल पर अपलोड करेंगे तो। तो ये कुछ कुछ ट्रिक्स है जो कि बैकग्राउंड को लाकर ब्लर कर सकते हैं, देन ग्रेडियंट के साथ खेल सकते हैं, और भी फोर्स में बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं ऑलरेडी स्टार्ट तो कर दिया वीडियोस, बस स्टेप बाय स्टेप सभी आने वाले हैं। तो ये कॉमन सा थिंग है, स्टैंडर्ड थीम है, बैनर है जो आप बना करके अपने चैनल में लगा सकते हैं। आई होप कि ये जो प्रोसेस है, ये तरीका आपको पसंद आया होगा, ये डिज़ाइन भी आपको पसंद आया होगा। आप इसे डाउनलोड करके इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ये कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला है। वीडियो पसंद आएगी जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लेकर कैसा कोई डाउट्स प्रॉब्लम होगी तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। खैर मिलेंगे सर इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।